Chef's Kitchen. पनीर ऐसी चीज है जिसे हर कोई पसंद करता है, अब चाहे वो हो नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। पनीर को हम किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, पनीर भुर्जी हो, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो मटर पनीर हो। तो बस पनीर लवर्स के लिए मैं लेके आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी, और कुछ ही दिनों में लेके आऊंगी कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं मटर पनीर बनाना। हमें चाहिए 1 इंच जिंजर, 3 गार्लिक और 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने कुटनी में कूट लिया है, 2 प्याज और 2 टमाटर जिसका मैंने अलग अलग पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई के गर्म हो जाने पे डाल देंगे सरसों का तेल। अब डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जीरा फ्राई हो गया है तो डाल देते हैं जिंजर, गार्लिक और चिली का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक को तब तक फ्राई करें जब तक उसमें से कच्चेपन की स्मेल ना चली जाए। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो चलिए डाल देते हैं प्याज जिसका हमने पेस्ट बनाया था। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद डाल देते हैं मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन दोनों मसालों से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब डाल देंगे धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहो तो गरम मसाले को इस स्टेज पे भी डाल सकते हो, या फिर ग्रेवी के ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद कसूरी मेथी के साथ भी डाल सकते हो। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, चलिए डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया ग्रेवी का। अब डाल देंगे नमक। जब भी टमाटर डालें उसके बाद ही डाल दें नमक, इससे टमाटर का जो पकने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। अब कुछ देर के लिए इसे ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। टमाटर आधे पक चुके हैं, इस टाइम पे डाल देंगे मटर। मटर को टमाटर के साथ पकाएंगे, इससे मटर में भी फ्लेवर्स ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिए हैं। मसाला सारा अच्छे से रेडी हो गया है, अब डाल देंगे 1/2 कप पानी। हमारी ग्रेवी अब अच्छे से रेडी हो चुकी है, अच्छे से बॉईल भी आ गया है, तो अब डाल देते हैं पनीर। पनीर भी मैंने फ्रोजन लिया है। फ्रोजन पनीर को ग्रेवी में डालने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल लें, इससे वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा और एक्सेस पानी छोड़ देगा। दो 2-3 मिनट के बाद देखिए पनीर ने भी ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लिया है। चम्मच को ध्यान से चलाएं, पनीर टूट भी सकता है। फिर डाल देते हैं लास्ट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना ही बढ़िया आया है। हमारी सब्जी अब रेडी हो चुकी है, इसे आप चपाती या राइस के साथ सर्व करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मेरे नए वीडियोस हर ट्यूसडे फ्राइडे को आते हैं, सो गाइस स्टे ट्यून्ड।